वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान ने तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को एतमाद के वोट के लिए खत लिख दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मशीर वज़ीर आज़म अताउल्ला तारर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी, अब असम्बली की तहलील नहीं हो सकेगी। 21 दिसंबर को शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेना होगा। परवेज़ इलाही ने अपनी सियासत बचानी है तो हमारे साथ रहना होगा। परवेज़ इलाही के साथ कमर जावेद बाजवा के मुतालिक बात करने पर कोई तय नहीं हुआ। मेरे खिताब के 1 घंटे बाद परवेज़ इलाही मुझसे हंस हंस कर बातें करते रहे। घर जाकर परवेज़ इलाही को याद आया कि बाजवा के खिलाफ बात की। चोरों को NRO2 देकर मुल्क पर मुसलत कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सीनियर सहाफ़ियों की मुलाकात। जुमे को धमाधम मस्त कलंदर होगा। चौधरी परवेज़ इलाही हमारे साथ खड़े हैं, जब कहेंगे वज़ीर आला पंजाब असेंबली भिजवा देंगे। मौनिस इलाही ने भी साथ देने की यकीन दहानी कराई। चौधरी परवेज़ इलाही दबाव ले जाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से अराकीन असेंबली की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पंजाब असेंबली को तहलील होने से बचाने कमीशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। रहनुमा काफ लीग सालिक हुसैन की शहबाज शरीफ और शुजात हुसैन की मुलाकात की तरदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आन चौधरी की भी मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और मुमकिन अमूर पर बातचीत। आन चौधरी ने जहांगीर तरीन का खसूसी पैगाम भी वज़ीर आज़म को पहुँचाया। हुकूमत ने NRO2 लेने के अलावा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के मौशी हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत का कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। PTI और काफ लीग का अपना अपना नुक्ता नज़र है। आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग काफ ने सीट एडजस्टमेंट करेगी। रहनुमा PTI हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट। PTI ने शामिम कुरैशी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। फवाद चौधरी और परवेज़ खटक भी कमेटी में शामिल। कमेटी का पहला इजलास आज तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी। इमरान खान ने तंजीमों से टिकटों बारे सिफारिशात मांग ली। निजी सतह पर टिकटों के बारे एक प्राइवेट ग्रुप तश्कील। इमरान खान पीर से पार्टी तंजीमों की क़यादत से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर देंगे। पंजाब के मामले पर जल्द हल निकल आएगा। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि आम इंतखाबात जल्द होंगे। मुस्तकबिल का सियासी लाहे अमल मिल बैठ कर तय करेंगे। मेरा PDM से नहीं जरदारी और शहबाज शरीफ से राबता है। जिनके पास अदम एतमाद के वोट पूरे नहीं वो अपना नंबर पूरा करेंगे। परवेज़ इलाही अगर फैसला करते हैं तो 4-5 माह निकल सकते हैं। मैं 3.5 साल से ज़्यादा अरसा मैंने सूबे की खिदमत की है और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने जो किया रिकॉर्ड डेवलपमेंट कराई, गुड गवर्नेंस, और यहाँ पे किसी के खिलाफ कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की है। मुझ पर तनकीद तहरीक इंसाफ और उसके बयानियों पर तनकीद है। पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, मेरा ज़मीर मुतमईन है। बेहतरीन गुड गवर्नेंस ही, किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी शराब लाइसेंस केस में उस्मान बुज़दार एहतसाब अदालत पेश। उस्मान बुज़दार के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की सिफारिशात हेड क्वार्टर इरसाल कर दी हैं। तफ्तीशी ऑफिसर का अदालत में बयान। अदालत ने उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 5 जनवरी तक तौसीफ़ कर दी। तोशाखाना से तहाए वसूल करने की तफसीलात फराहमी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना से खरीदे जाने वाले तहाइफ की तफसीलात तलब करनी। विफाकी हुकूमत का तहाइफ की तफसीलात अदालत में पेश करने से इनकार। तफसीलात पेश करें, अदालत तय करेगी कि खुफिया है या नहीं।
अदालत के रिमार्क्स। अदालत का वफाकी की हुकूमत को 16 जनवरी तक तफसीलात अदालत में पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान के जो तोशाखाना का सारा रिकॉर्ड है वो आला अदलिया के सामने भी रखा जाए और उसे पब्लिक किया जाए। ये कहते हैं कि जी ये हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते, आला अदलिया को कोई रिकॉर्ड नहीं दिया गया। तो ऑनरेबल जज ने ये कहा है कि आपको ये रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश करना होगा बिकॉज इसके ऊपर तो यू आर बाउंड। रसीदे निकालने का वक्त हुआ चाहता है। अदलिया ने कहा है कि तोशाखाना का सारा हिसाब अवाम के सामने रखा जाए। उन्होंने रिकॉर्ड अदालत पेश करने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को तोशाखाना से तहाइफ का हिसाब देना होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत नुसरत जमशेद चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाईकोर्ट का शहर से स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम उठाने का हुक्म। फैक्ट्रियों के कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग करने का हुक्म। आइंदा समाज पर तमाम महकमों को रिपोर्ट से पेश करने की हिदायत। स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस की मजीद समाअत 23 जनवरी तक मिल गई। सब्जियों और आटे की कीमत में इजाफे के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग के रुकन सादिया तैमूर की जमा से जानिब से जमा कराई गई। करारदाद में प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फौरी फॉल करने का वकील को तोहनी अदालत से 3 माह कैद की सज़ा का मामला। वकील को सज़ा देने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वकला तोहनी अदालत के मामले का सामना करेंगे। तोहनी अदालत में वकील की सज़ा के हुक्म को वापस लिया जाए। वकला रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वासा की कारकर्दगी रवां साल भी नाकिस रही। तरक्याती काम ना होने के बराबर। शहर में सीवरेज और वाटर सप्लाई समेत मुश्तरक बेशतर मंसूबे अधूरे। वासा इंतजामिया रवां माली साल 379 मिलियन रुपए की खर्च कर सकते। इमरान खान का असेंबली तहलील करने का ऐलान। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट और अकबर चौक प्रोजेक्ट का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। सियासी कश्मकश के बसबब पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल ने सवाल उठा दिए। चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुबुल की जेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स के 9 तरक्याती स्कीमों के लिए 18 अरब रुपये से ज्यादा फंड मंजूर। सगियां रोड की बेहतरी और बहाली के लिए 5 अरब 30 करोड़ 44 लाख के फंड मंजूर किए गए। लाहौर में 100 से ज्यादा निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार। स्कूल मालिकान के रजिस्ट्रेशन का अमल तेज करने की अपील। निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन का अमल बाकायदगी से जारी है। सिर्फ SOPs मुकम्मल ना करने वाले स्कूलों के रजिस्ट्रेशन रोकी जाती है। महकमे स्कूल एजुकेशन का मौका।